स्वागत है दोस्तों नवीन पहाड़ी के एक नए व्लॉग में। तो भाई सुबह हो गई थी और सबसे पहले आ गए थे कूड़े वाले अंकल। तो फटाफट से भाई मैंने उठाया अपना पॉली बैग और मैं बाहर चल दी कूड़े वाले अंकल के पास कूड़ा डालने। और सामने भाभी जी ने भी अपना कलेक्ट करके रख दिया था। तो देखिए आ गई थी गाड़ी, तो फटाफट से हमने कूड़ा अपना डाला। और भाई आज इसके बाद था एक इम्पॉर्टेंट काम, मुझे लेना था अपना योगा का शूट। भाई बहुत ज़रूरी काम होता है ये भी। तो नवीन जी ने फटाफट से कैमरा सेट कर दिया था और हम अपना शूट लेने लग गए थे। तो सुबह सबसे पहले हमें यही करना पड़ता है, सबसे ज़रूरी होता है हमारा ये काम। तो उसके बाद देखिए घर का सारे काम निपटाए और नोनू देख रही थी टीवी, तो इसके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड अपना कर रही थी और साथ साथ में ये देख रही थी अपना चंदा मामा। थोड़ा बहुत बच्चों को टीवी भी दिखाई देते हैं क्योंकि उससे उनका भी मनोरंजन हो जाता है और हमारे भी कुछ बहुत काम निपट जाते हैं फटाफट। तो देखिए अब आई थी एक स्पेशल चीज़, आया था गाँव का खीरा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, ऑर्गेनिक और फ्रेश। इसके साथ हिमानी ने भिजवाई थी ये नमक, पिसा हुआ नमक बोलते हैं इसे, हरी मिर्च के साथ इसे सिलबट्टे पे पीसते हैं और ये लंबे समय तक चलता है। इसे हल्का सा बस खीरे पे लगाना होता है और उसके बाद इतना चटपटा खीरा हो जाता है खाने के लायक, मस्त एकदम। और साथ में हिमानी ने भिजवाई थी अपने गाँव की आगरा खाल की ये अरसे वाली मिठाई। ये पहाड़ी मिठाई होती है और ये बहुत टेस्टी होती है, तो ये चावल से बनती है और इतनी फ्रेश थी, इतनी मस्त लग रही थी खाने में। बस उसके साथ हमारी दिन के खाने की तैयारी चल रही थी। और अब सुनिए मेरी और नवीन जी की बातें। अब गाइस मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाता हूँ। गाइस कुछ टाइम पहले तक मेरा ऐसा था कुछ हरा भरा सा, और अब मैं हो चुका हूँ कुछ इस तरीके से। गाइस अगर आपको शादी करनी है तो आप डिसाइड कर लो कि आपको हरा भरा रहना है या फिर सूखना ये है। शादी से पहले का है, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। गाइस अभी आप देख सकते हो कि नोनू ने कितना गंदा मुंह बना रखा है क्योंकि ये बहुत चिड़चिड़ी हो रखी है, इसके सोने का टाइम हो रहा है अब। और गाइस अभी हम जो है शॉपिंग कर रहे हैं और भाई अपना जो नया घर है हमारा उसके लिए बेड मैट्रेस देख रहे हैं हम लोग, यानी कि गद्दा। और देखते हैं बहुत सारी कंपनी के अलग अलग गद्दे हैं, बट भाई बहुत महंगे हैं, 20-30 हजार रुपए के एक एक गद्दा। एक एक गद्दा भाई, क्या पर ये एक ही कंफर्ट चाहिए तो थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा ना। कंफर्ट चाहिए, हर जगह कंफर्ट चाहिए होता है। हम लोगों ने ना काफी सारी शॉप में जाके सर्च भी किया था लेकिन हमें अपनी पसंद का गद्दा नहीं मिल पाया। मतलब जो हम अभी यूज कर रहे हैं ना, वेक फिट कंपनी का है, अच्छा गद्दा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है बट बहुत महंगे यार। महंगी तो है लेकिन एक बात है कि इतने गद्दे देखने के बाद ना यही समझ में आया जिसमें हम जो हम यूज कर रहे हैं ना, तो बस हम मैं तो ये कह रही यही कर लो यार, यही कर लो, फाइनल है, फाइनल देख लो। अच्छा ये बताओ अभी दोनों बेड के लिए करोगे सिंगल बेड के लिए? गाइस बहुत गरीबी आ चुकी है और मेरी मैडम की फरमाइश से खत्म नहीं होती है, कहती है कंफर्ट वाला गद्दा चाहिए सोने के लिए। भाई तो क्या बताए। अच्छा जी ये ऐसे कैसे कह दिया तुमने? गाइस सच बता रहा हूँ मैं, अगर आप शादी करोगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई शादी के बाद जिंदगी कैसी होती है। क्या होती है, कुछ नहीं होती है, मिलके काम करना चाहिए, साथ में कमाओ खाओ पियो, यही तो जिंदगी है। गाइस मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। अरे हमारी नोनू को देखो, ये भी अपकमिंग ब्लॉगर है तो ये अभी से ही ट्राइपॉड उठाने की कोशिश कर रही है। खरीदो नोनू, नोनू क्या कर लियो, क्या कर लियो, ट्राइपॉड उठा रही हूँ बोलो। हाँ देखो 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 गाइस ये देखो, ट्राइपॉड का पूरा नाश मार देती है और लाइट है तो भाई साहब ऐसे खींचती है, क्या बताएं। और इसको हमेशा ना अपनी मम्मी के पास ही जाना होता है, मम्मा ही चाहिए। जब देखो मम्मा मेरे पास तो आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती तुम्हारे पास? बहुत कम आती, बहुत कम आती, सोने का टाइम हो गया ना इसलिए ऐसे करते हैं। नोनू सुनू सुनू कर ली बेटू, चलो सुला दो मोनिस को। है ठीक है, क्या कर रहे हो तुम, मेरे इतने सारे वाइब्स क्यों खराब कर रहे हो? एक वाइब 2 रुपए का आता है नवीन। यार मेहनत करता हूँ, कुत्ता बनता हूँ दिन रात। नहीं तो तुम मतलब हेलमेट को गीले कपड़े से भी तो साफ कर सकते थे ना। नहीं इसमें गीलापन होता है मोनी वाइप्स में, इसलिए हम साफ कर रहे हैं। तो पानी में भी तो गीलापन ही होता है। मेहनत नहीं चाहिए भाई साहब। तो अभी कहाँ जा रहे हो? अभी मैं जा रहा हूँ देहरादून और कुछ सामान छूट गया है, कम पड़ गया है, पूरे सीकेस में मिल नहीं रहा है। तो हर छोटी चीज के लिए तुम्हें देहरादून दौड़ना पड़ता है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। गाइस अब मुझे पता ना कौन सामान कहाँ मिलेगा, अभी पापा का फोन आ रहा है। चलो तो दोस्तों बस इसी के साथ नवीन जी फोन पे बातें करते करते अपना निकल चुके थे देहरादून के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों ऐसे ही बस अपना प्यार दिखाते रहे, हमारे लिए हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही काम को करने की एनर्जी भी मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।